आदि, अभी तक बर्थडे पार्टी के लिए निकला नहीं? कैसे जो बाबा तैयार नहीं हुए ना? उसे क्या तैयार होना है, सिर्फ लुंगी कुर्ता ही तो पहनना है। हाँ, उसमें भी टाइम लगा रहे, एक घंटे से दरवाजा बंद है। शायद तान मार कर सो गया होगा। अरे भास्कर, क्या औरतों की तरह सच संवर रहा है? यहाँ आदि कब से तैयार होकर खड़ा है? हाँ बस एक मिनट में आया। हाँ क्या हुआ? अच्छा नहीं है ये वाला सूट तो दादाजी शादी में जाने का टाइम पहनते हैं ना, तो ये आपने अभी क्यों पहन लिया है? अरे इतनी बड़ी पार्टी है, डिसेंट बन के जाना चाहिए ना। कोई बड़ी पार्टी नहीं है, पार्टी के नाम पर सिर्फ चार लोग हैं, मैं, शिवानी, आप और मम्मी। हाँ तो क्या हुआ, लेकिन है तो बर्थडे पार्टी ना, और ये पार्टी का सूट है। ओके हाँ ठीक है, पर एक और बात है, जब आप तैयार हो रहे थे दादाजी ने एक बात कही थी, बाकी मीटिंग की तरह आप यहाँ भी बातचीत थोड़ा कम ही करना। अपनी मीटिंग में बातचीत कहाँ होती है, फुल एक्शन होता है। एक मिनट भास्कर, ये कैसा लग रहा है? छे। अच्छा नहीं, जाने दे। भास्कर, ये कैसा है? ये तो कड़क है। प्यारे पापा, ये ड्रेस ही पहले से ओवर है, आप अपने गॉगल को जेब में लटका लीजिए। अगर इस चश्मे को मैं यहाँ टांग लूँ तो? चीप लग रहे हो। अच्छा, सलमान खान टांगे तो अच्छा है, बाकी मैं टांगू तो चीप। चल निकलते हैं। मम्मी, मम्मी। क्या हुआ? आदि और पापा आ गए, जाके दरवाजा खोलिए ना। तुम जाके खोलो। अरे मैं रेडी हो रही हूँ, तब तक वो बाहर रहेंगे। हाय मम्मी। हेलो। पापा भी साथ आए हैं। मम्मी जल्दी पापा को बुलाइए, आप बुलाओगी नहीं तो पापा नहीं आएंगे। एक्सक्यूज मी। पापा, मम्मी बुला रही है। आइए अंदर। थोड़ा जल्दी रेडी हो जाती। क्या मम्मी? वाओ, ऑसम, आप तो एकदम हीरो लग रहे हो। हैप्पी बर्थडे शिवानी। थैंक यू। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बेटा। थैंक यू पापा। आइए ना, हमारा घर कैसा लगा? अच्छा है ना? आपने पूछा था ना हमारी चॉकलेट फैक्ट्री कहाँ है? यही है हमारा घर। MD, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सबका सब मम्मी करती है। बैठिए ना। पापा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? पापा ऐसे ही है, ये जब भी ये ड्रेस पहनते ज्यादा बात नहीं करते। अरे रे, तब तो पुरानी ही ठीक थी, आप अच्छे लगते थे। पापा आप क्या खाओगे? पता है मम्मा अच्छा खाना बनाती है। शिवानी। हाँ मम्मी। एक मिनट अंदर आना। पापा एक मिनट। आओ, जूस रेडी है। क्यों, आप भी तो जूस ला सकती है ना। क्यों लाऊं, वो अपने लिए दुल्हन देखने आए क्या? मम्मी कुछ भी कह देती हो शिवानी, बोलने से पहले सोच दिया करो। क्या जरूरत थी उसे चॉकलेट फैक्ट्री के बारे में सब कुछ बताने की तुम्हें? अरे वो आदि के पापा है मम्मी, वो बहुत अच्छे हैं। कोई अच्छे नहीं है, वो जिस तरह से मुझे देख रहा है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ये जूस लेकर जाओ उनके लिए, मैं केक लेकर आती हूँ, जल्दी से काटना और केक काटते दफा करो उसे यहाँ से, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। क्या दफा करूँ? मम्मी आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि हम सब बाहर जाएंगे, और हम जाएंगे। सॉरी पापा, आज आपको मम्मी के हाथ का टेस्टी खाना नहीं मिल पाएगा, आज हमें खाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम, अपन आज बिल्कुल फ्री। पापा आज बिल्कुल भी फ्री नहीं है। हाँ बिल्कुल फ्री नहीं हूँ बेटा, इसने मुझे प्रॉमिस किया था कि आपके साथ आएगा। लंच तक ठीक है, लेकिन डिनर के बाद मैं और पापा मूवी देखने जा रहे हैं, है ना पापा? हाँ। मूवी देखने जा रहे हो? मैं और मम्मी भी साथ चले? नहीं, पापा को भीड़ पसंद नहीं है। प्लीज प्लीज पापा प्लीज। हाँ ठीक है, आने दीजिए। ओके थैंक यू पापा। शिवानी आदि। तो बड़ा मैं कैंडल लगाता हूँ। मैं भी। अरे वाह, केक तो काफी बड़ा है। अब कौन आया? तुमने किसी और को भी बुलाया? नहीं तो मम्मा, मुझे लगता है आपने बुलाया है। मैंने तो किसी को नहीं बुलाया, जाओ जाकर देखो।
हाय हिमा, हाउ आर यू? ओह आई एम सॉरी, आई एम संजय सक्सेना, हिमा मेरी वाइफ है और ये मेरी बेटी शिवानी। आई एम सीइंग हर फॉर द फर्स्ट टाइम। हैप्पी बर्थडे बेटी, तुम्हारे लिए। आई मिस्ड यू। उस दिन जब वहां लड़ाई हुई थी और गोली लगने के बाद मैं बेहोश हो गया, तब मेरे साथ वहां पर क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। और जब होश में आया तो तुम नहीं थी। पापा ने कहा कि तुम खो गई हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि तुम जरूर मिलोगी। और हेलो, हाँ हाँ, मैं हिमा के घर पर ही हूं। आपका मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ, वो मेरे सामने ही, देता हूँ। हिमा, तुम्हारी फ्रेंड का फोन है, वो तुमसे बात करना चाहती है। लो। हेलो। मेरी तरफ से तुम्हारी बेटी को बर्थडे का तोहफा। याद है मैंने उस दिन क्या कहा था कि सबक सिखाऊंगी? उम्मीद है मेरा तोहफा तुम्हें बहुत पसंद आया होगा। देखना, अब तुम अपनी बाकी की सारी जिंदगी घुट घुट कर जियोगी। गुड बाय। जैसे ही पता चला कि तुम यहां पर हो, मम्मी पापा भी साथ आना चाहते थे। वो सभी तुमसे मिलने के लिए बहुत ही बेताब थे। मैंने ही मना कर दिया, अगली बार साथ लाऊंगा। उनसे मिलने के बाद यकीन से कहता हूं तुम्हारा दिल बदल जाएगा और तुम वापस चलने के लिए राजी हो जाओगी। सॉरी, क्या मैं जा सकता हूं? मैं बस पहुंच रही हूं, तुम हिम्मत रखो, जल्दी आना प्लीज। मनिता, कहाँ है संजय? आईसीयू में है। तुम घबराओ मत, उसे कुछ नहीं होगा। तुम जाके पैसे भरो, बाकी सब मैं संभालती हूँ। हेलो, इसे कहाँ लेके जा रहे हो? क्राफ्ट हॉस्पिटल। इस सर्जरी की फैसिलिटी यहाँ नहीं है, इसीलिए वहां ले जा रहे हैं। नहीं, आप अंदर नहीं आ सकती। उन्हें जाने दो, तुम मेरे साथ आओ, हम वहां कार से चलते हैं। मनिता, थोड़ा जल्दी चलाओ प्लीज। देखो, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। यस। द पेशेंट ब्रॉट फ्रॉम लक्ष्मी हॉस्पिटल इज इन विच ऑपरेशन थिएटर? पेशेंट नेम? संजय, संजय सक्सेना। जस्ट अ मिनट मैम। ठीक है जी। सॉरी मैम, यहाँ इस नाम का कोई पेशेंट नहीं है। पर इसी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस से उन्हें यहाँ लाया गया था सुबह। मैम, हमने कहीं कोई एम्बुलेंस नहीं भेजा है और ना ही कोई पेशेंट लक्ष्मी हॉस्पिटल से यहाँ आया है। आर यू श्योर? यस मैम, मुझे लगता है आपने किसी और हॉस्पिटल में भेजा होगा। यहीं पर लाने के लिए कहा गया था। यही कहा था? फिर उन्हें कहाँ लेकर गए होंगे? आओ मेरे साथ। मैडम, आपको साहब बुला रहे हैं। प्लीज बी सीटेड। आप संजय को लगभग कितने समय से जानती हैं? मैं उनसे एक साल पहले ही मिली थी। यहाँ सिम्बायोसिस में मैं पीजी करने आई थी, तभी उनसे मिली थी। तो तब से आप लोग साथ में, लिविंग टुगेदर? यस, पर हम शादी करने ही वाले थे। वो मुझे बैंगलोर ले जाकर अपने पेरेंट्स से मिलवाने वाले थे, लेकिन फिर ये एक्सीडेंट। और आपके पेरेंट्स? संजय से मेरे रिश्ते की बात सुनकर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। अब वो कनाडा में सेटल है। और इस शहर में सिर्फ संजय ही मेरा सहारा है। सर, ये संजय जैसा आप सोच रही हैं वैसा आदमी नहीं है। ही इज अ शार्प शूटर, एक पेशेवर होनी।
वो सुपारी लेके लोगों को मारता है। अंडरवर्ल्ड में बहुत नाम है उसका। बड़े बड़े गैंगस्टर अपने दुश्मनों को मारने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। वो इसी मकसद से शहर में आया था। अब मैं अकेले में आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। आमतौर पर ऐसे लोग अपना काम निपटाने के बाद उस शहर में दोबारा नजर नहीं आते, इसलिए काफी समय तक हमें संजय पर शक नहीं हुआ था। उसने अपना ही रूल तोड़ दिया। हो सकता है उसे आपसे वाकई प्यार हो गया। मुझे लगता है इसीलिए उसे काम देने वाले लोग उससे काफी नफरत करने लगे थे। हो सकता है उन्होंने संजय को मारने की कोशिश की हो, या हो सकता है विरोधी गैंग ने, और उसके बाद हॉस्पिटल से उन्हीं लोगों ने उसे किडनैप कर लिया। याद है आपकी एक फ्रेंड के पिता एकनाथ चतुर्वेदी की हत्या हुई थी? वो इंडिया के मशहूर जियोलॉजिकल साइंटिस्ट थे। उन्हें पता लग चुका था कि प्लूटोनियम की खाने इंडिया में कहां कहां पे हैं, और इंडिया के फायदे के लिए उन्होंने ये बात छुपा कर रखी। दूसरे देश के लोगों को ये जानकारी चाहिए थी। इस काम के लिए उन्होंने इंडिया के गैंगस्टर्स को चुना, और उन्हीं में से एक संजय भी था। एकनाथ चतुर्वेदी की सिक्योरिटी को पार करना आसान नहीं था। साइंटिस्ट की बेटी आपकी दोस्त थी, इसीलिए शादी में घुसने के लिए उसने आपका इस्तेमाल किया, और फिर उसने साइंटिस्ट को मार डाला। किस गैंग तक ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पहुंची है, कौन कौन से देश इन्वॉल्व्ड हैं, वही पता कर रहे हैं। किसने संजय पे गोली चलाई, किसने उसे किडनैप किया है, मैं इस बारे में पुख्ता तौर पर नहीं कह सकता हूं, और ना ही तुम कुछ जानते हो। इस केस में हमारी सबसे बड़ी गवाह आप ही हैं।